गोटेगांव में सर्वर डाउन की परेशानी किसानों पर भारी पड़ रही है। उड़द और मूंग का पंजीयन इसके चलते नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि शासन के मूंग और उड़द खरीदी के फैसले के बाद किसान सोसाइटी में पंजीयन करा रहे हैं। गोटेगांव की वृत्ताकार सहकारी समिति मेघ एवं सहकारी समिति बेदू में एक एक में पंजीयन केंद्र बनाया गया है। समिति के प्रबंधक दिनेश तिवारी ने बताया कि यहां पर 3 कर्मचारियों को पंजीयन के लिए लगाया गया है, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते किसानों के पंजीयन नहीं हो पा रहे। 28 जुलाई पंजीयन की आखिरी तारीख है, इसके बाद किसान पंजीयन नहीं करा सकते। किसानों का कहना है कि शासन करक बेल इलाके में और पंजीयन केंद्र खोले, साथ ही अंतिम तारीख भी बढ़ाई जाए ताकि किसानों को परेशानी ना हो। यहाँ पंजीयन होने में बहुत भीड़ पड़ रही है जी। दिन में 50 पंजीयन हो पा रहे हैं, सर्वर डाउन चल रहा है। किसानों की यहाँ इतनी भीड़ है, इसमें किसान बहुत परेशान हो रहा है। क्या मांग है? निवेदन है कि एक पंजीयन केंद्र बढ़ाया जाए। किस चीज़ के पंजीयन चल रहे हैं? मूंग के चल रहे हैं। कि यहाँ पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं, सर्वर डाउन चल रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि शासन से गुहार है मेरी कि और केंद्र बढ़ाए जाएं। यहाँ सुबह से मुश्किल से 50 पंजीयन हुए हैं और इसकी लास्ट तारीख है 28 तारीख, जिसमें बीच में शनिवार इतवार भी है, तो कम समय है, सर्वर ठीक से नहीं चल रहा है। सरकार से ही चाह रहा हूँ कि एक केंद्र बढ़ाया जाए।